Good morning. Today we are going to start a new poem of your English literature chapter. The name of the poem is Fire and Ice, and the poem has been written by Robert Frost. We all know that Robert Frost is an American poet, and he is a mystic poet. वो ऐसे poet हैं जिन्होंने लाइफ को, ज़िंदगी के हालात को एक अलग तरीके से समझा, और जनरल से हटके, लीक से हटके, वो एक अनएक्सपेक्टेड रूप में, जो कि सामान्य आदमी नहीं समझ सकता है, उस तरीके से उन्होंने जीवन को समझा और जीवन की परेशानियों को उन्होंने डिस्क्राइब किया अपने पोएम में. I think and I hope that almost all of you must have already read a poem written by Robert Frost, a beautiful poem. The name of the poem is The Road Not Taken. आप लोगों ने पढ़ा होगा Road Not Taken, different classes में, 9th में भी या फिर और भी पहले के classes में. वो भी बहुत अच्छी कविता थी, poem था. और same on the same line, this very poem Fire and Ice also brings forth a situation that has surrounded the world, and there is always a danger that is lurking large on the face of the world. Ek aisi samasya hai jo ki duniya ke chehre pe aur duniya ke samne muh baaye khadi hai, aur wo samasya hai सेल्फ डिस्ट्रक्शन का. सेल्फ डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि खुद की बर्बादी. तो दुनिया को कोई और बर्बाद करे ना करे, लेकिन हो सकता है कि हम दुनिया में रहने वाले लोग ही हम इसको बर्बाद कर दें. तो फायर एंड आइस पोएम को पहले हम लोग, लेट्स स्टार्ट एंड रीड थ्रू द लाइन्स ऑफ द पोएम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स फर्स्ट डिनोटेशन, एंड देन वी विल ट्राई टू Know what is the connotation of the poem. पहले इसकी शाब्दिक अर्थ को समझते हैं, फिर इसके भावार्थ को समझेंगे. Some say the world will end in fire. कुछ लोगों का कहना है या कुछ लोग मानते हैं कि ये जो दुनिया है ये आग से ख़त्म हो जाएगी, आग से विनाश हो जाएगा इस दुनिया का. Some say in ice. और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि आग या फायर के अपोजिट जो चीज़ें होती हैं, आइस या वाटर, दुनिया इससे ख़त्म होगी. फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर. और फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, और जो चीज़ मैंने पाई है और जो मैंने देखा है, तो मुझे भी लगता है कि आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर. तो मुझे भी लगता है कि दुनिया के ख़त्म होने के जो चांसेस हैं, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. तो दुनिया के ख़त्म होने के जो चांसेस हैं, जो आशंका है कि दुनिया जिससे ख़त्म होगी, तो ज़्यादा उम्मीद है कि दुनिया फायर से ख़त्म होगी. और द मेन कॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड और द टोटल डैमेज ऑफ द वर्ल्ड कैन बी कॉज बाई फायर. बट नेक्स्ट आगे वो बोलते हैं कि बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर दुनिया को दो बार ख़त्म होना हो, या दुनिया अगर दो बार ख़त्म हो, तो पहली बार तो दुनिया किसी से ख़त्म होगी, फायर से. लेकिन अगर दूसरी बार दुनिया ख़त्म हो सकती है, तो दुनिया आइस से भी ख़त्म हो सकती है. वो कैसे? तो आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट टू से दैट For the destruction, ice is also great. कि मैं ये मानता हूँ कि दुनिया में इतनी ज़्यादा हेट है, एक दूसरे से नफ़रत है, एक दूसरों के बीच तालमेल की कमी है, और कोऑपरेशन, सिंपैथी और गुडविल जेस्चर्स की कमी है, तो दुनिया हेट से भी ख़त्म हो सकती है, यानी कि नफ़रत से भी ख़त्म हो सकती है. एंड वुड सफाइस, और ये काफ़ी है दुनिया को ख़त्म करने के लिए हेट भी. तो ये तो था पोएम का डिनोटेशन जो लिखा था उसके. अब चलते हैं हम लोग कनोटेशन की तरफ. तो सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर,
कुछ लोग ये कहते हैं कि वर्ल्ड जो है वो फायर से ख़त्म होगा. फायर हियर सिम्बोलाइजेस द यूज ऑफ आर्म्स, एमिनेशन, बैम्स, बम्स एंड सम कैटास्ट्रोफिक डिवाइसेस एंड एक्सप्लोसिव्स. जो ये बर्बादी के जो हाथ हथियार हैं, जो बड़े पैमाने पे हाइड्रोजन बम, ऑक्सीजन बम और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें, ऑक्सीजन बम तो नहीं है, सॉरी, हाइड्रोजन बम है, और उसके बाद में और भी बहुत सारे बॉम्ब्स हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, ये सब, तो ये फायर को सिम्बोलाइज करते हैं. तो फायर का मतलब है कि बंदूक से, बम से, गोला से, बारूद से, रॉकेट से, मिसाइल से, इन चीज़ों से दुनिया ख़त्म हो सकती है. सम से ही नाइस, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इसके अलावा आइस से भी ख़त्म हो सकती है. आइस का मतलब यहाँ पे हुआ, तो फायर का मतलब गोला बारूद भी हुआ, और फायर का मतलब जो हुआ वो दूसरा कनेक्टेशन ये भी आता है कि फायर का मतलब होगा यहाँ पे गुस्सा, गुस्सा और बदला, रिवेंज एंड एंगर, ये भी फायर को सिंबलाइज करते हैं. तो बम, गोला बारूद, आर्म्स, एमिनेशन, मिसाइल्स वगैरह भी फायर को सिंबलाइज करते हैं. और दूसरी बात की एंगर, रिवेंज, ये भी फायर को सिंबलाइज करते हैं. वॉर, अटैक, ये सब फायर को सिंबलाइज करते हैं. तो ये सारी जो क्वालिटी हैं, ये सब क्वालिटीज से, फैक्टर से दुनिया ख़त्म हो जाएगी, अधिकतर लोगों का ये मानना है. और हमने पिछले कई वर्ल्ड वॉर में भी ये देखे हैं कि अटैक, वॉर, एंगर, रिवेंज, ये सब कारण बने और दुनिया की बहुत बड़ी आबादी उसमें ख़त्म हुई. तो एक तो कारण ये है. तो अगर आपसे पूछा जाए कि फायर किसको सिंबलाइज करता है, तो फायर इंसान में अगर आप देखेंगे तो फायर इंसान की क्वालिटी जो है एंगर है, रिवेंज है, इन सब चीज़ों को फायर सिंबलाइज करता है. और दूसरी क्वालिटी अगर वॉर में देखेंगे तो जितने भी आर्म्स, एमिनेशन, बम्स, मिसाइल्स, ये सारी चीज़ें, ये सब फायर सिंबलाइज करती है. तो ये दोनों फैक्टर हैं जो जिससे कि दुनिया बर्बाद हो सकती है, ख़त्म हो सकती है. आगे पोएट लिखता है कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. तो मुझे भी लगता है जो मैं जानता हूँ या जो मैं समझता हूँ या पहले की जो भी जो एक्सपीरियंसेस हैं, व्हाट आई हैव गेन द एक्सपीरियंसेस दैट हैज़ गिवन मी थ्रू द पास्ट टाइम, दोज एक्सपीरियंसेस शो दैट फायर इज सफिशियंट फॉर द डिस्ट्रक्शन एंड द कंप्लीट डैमेज ऑफ द वर्ल्ड. तो दुनिया इसे ख़त्म हो जाएगी. आगे पोएट लिखता है कि बट इफ़ हैड टू पेरिस ट्वाइस, लेकिन मान लो कि दुनिया को अगर दो बार ख़त्म होना होगा, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फायर या फायर को सिंबलाइज करने वाली जो क्वालिटीज़ हैं, कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं, रिवेंज है, अटैक है, एंगर है, ये सब फायर को सिंबलाइज करने वाली क्वालिटीज़ हैं, या फिर आर्म्स, एमिनेशन, रॉकेट्स, मिसाइल्स. तो ऐसा नहीं कि यही जो चीज़ें हैं ये दुनिया को ख़त्म करेंगी. आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट. आगे चल के कहता है कि मुझे हेट की जो कैपेबिलिटी है डिस्ट्रॉय करने की, बर्बाद करने की, वो भी बहुत बड़ी है, और मैं उसको जानता हूँ अच्छी तरीके से, क्योंकि टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट. और मैं ये मानता हूँ, पोएट सेज दैट ही बिलीव्स दैट आइस इज इक्वली स्ट्रॉन्ग, और आइस इज इक्वली एज स्ट्रॉन्ग एज फायर टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड. आग की तरह ही आइस भी, फायर की तरह ही आइस भी उतना ही पावरफुल है दुनिया को डिस्ट्रॉय करने में. तो आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि आइस कैसे डिस्ट्रॉय करेगा, तो आप इसको आइस से सिंबलाइज कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं दो तीन फैक्टर्स पे. पहली बात तो कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से देर आर ग्लेशियर्स, आइस ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग रैपिडली, एंड वन डे द melting of ice, if it increases, then the sea level will increase and it will, many world cities will sink into the sea. बहुत सारी दुनिया के शहर हैं वो समुद्र में समा जाएंगे. तो इसलिए आइस डिस्ट्रक्शन का एक कारण बन सकता है ग्लोबल वार्मिंग के जरिए. दूसरी बात, आइस से जो सिम्बोलाइजेशन है या सिम्बॉल है वो ये भी है कि आइस
कुछ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स को भी इंडिकेट करता है, एंड दिस ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स आर लाइक इग्नोरेंस, यानी कि आप अज्ञान है किसी समस्या से और आप उसको जानना नहीं चाहते हैं, समझना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप अपने आप में सेटिस्फाइड हैं, आपको दूसरी की परेशानी से क्या मतलब है। तो ये हुआ इग्नोरेंस। उसके बाद हुआ इग्नोरेंस के बाद में एक होता है एपैथी, यानी कि आप दूसरों के दर्द के बारे में नहीं सोचते हैं, आप अपने आप से खुश हैं। अगर आप अच्छे हैं तो आप सोचते हैं दुनिया में दुख तकलीफ है तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम क्यों जाएं उसके दुख में शरीक होने या दुखी होने। तो ये एपैथी है, ठीक है। तो इग्नोरेंस है, एपैथी है, जेलस और हेट है, यानी अंदर अंदर आप दूसरों की कामयाबी या दूसरों की अच्छाइयों से जब जलते हैं तो एक एनिमोसिटी पैदा होती है, एक शत्रुता पैदा होती है अंदर, और धीरे धीरे बढ़ बढ़ के आगे चल के वो जो एनिमोसिटी है, शत्रुता है, वो एक बहुत बड़े विनाश का कारण बनती है। तो ये जो फैक्टर्स हैं जो जेलसी है, हेट है, उसके बाद में इग्नोरेंस है, एपैथी है, ये सब आइस को सेटिस्फाई करने वाले कॉजेज हैं, जिससे दुनिया इन कारणों से भी ख़त्म हो सकती है। ऐसा नहीं अटैक करने से ही दुनिया ख़त्म हो, आप दूसरों की हेल्प नहीं करते हैं या दूसरों के से आप हेट करते हैं या आप उसके परेशानी में रुचि नहीं लेते हैं, सिंपैथी नहीं दिखाते हैं, तो धीरे धीरे ये समस्या भी जटिल होकर के प्रॉब्लमेटिक बन सकती है। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा है कि कोरोना वायरस पहले चाइना में आया, तो बाकी के दुनिया के देशों ने कहा कि चलो ये चाइना में है, ये हमारे पास नहीं है, तो वी बिकेम कम्प्लीटली एपैथेटिक टुवार्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ द कोरोना वायरस दैट वाज स्प्रेड इन चाइना। लेकिन हम एपैथेटिक रहें या इग्नोर रहें उस समस्या से, तो धीरे धीरे वही इग्नोरेंस आज हमारी भी बर्बादी का कारण तो बन रहा है। अगर हमने सब मिलकर के उसके स्प्रेड को उसी समय रोकने की कोशिश की होती तो आज ये पूरी दुनिया में महामारी बन करके नहीं फैला होता। तो आप समस्या को इग्नोर करते हैं या ये सोचते हैं कि ये उसके पास है, ये उसकी समस्या है, तो धीरे धीरे ये समस्या स्प्रेड होके हम सबको सोसाइटी में इन्फेक्ट करेगी और इफेक्ट करेगी और इससे हम सब बर्बाद होंगे। तो दैट्स वाई द पोएट सेज दैट द वर्ल्ड कैन, इफ इट हैज टू डिस्ट्रॉय ट्वाइस, इट कैन बी डिस्ट्रॉयड बाई फायर एज वेल एज आइस। फायर से भी और आइस से, दोनों से ये देश, ये दुनिया बर्बाद हो सकती है, सिर्फ फायर से ही नहीं। थैंक यू।